क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है दो अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 5 अदद तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त पवन ने बताया कि वह बागपत जिले का रहने वाला है, उसकी दोस्ती जानी अदा से हुई थी। ये दोनों मिल के पिस्टल की सप्लाई विभिन्न जगहों पर करते हैं। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इनके अलावा ये लोग योगेश यादव एक है इस ग्रुप में, वो भी पकड़ा गया है। उसने बताया कि इनके माध्यम से ये लोग जो है असलहे की खपत करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अभियुक्त पवन के विरुद्ध कुल 4 अभियुक्त पंजीकृत हैं, अभियुक्त योगेश के विरुद्ध कुल 2 अभियुक्त पंजीकृत हैं। पूछताछ में ये बताया कि ये कहाँ से सप्लाई करते हैं और आगे इसको ये असलाह बेचते हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं और उसमें जो भी आगे हमारी प्रोग्रेस होगी उसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।